जय श्री राम फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को आसान रेसिपी की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज हम आसान रेसिपी में बनाने जा रहे हैं गुजिया। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं मैं क्या क्या चीजें लगूंगी। गुजिया बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 200 ग्राम खोया ले लिया है और खोए में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले लीजिए। मैंने एक कटोरी चीनी ली है और कुछ मेवा है, 8-10 काजू, 8-10 बादाम और 2 अखरोट की गिरी, 8-10 पिस्ता, थोड़ी सी गरी, 20-25 नग किशमिश के लिए। इन मेवा को हम कट कर लेंगे और उसके बाद गुजिया बनाने के लिए हमें 250 ग्राम हमने मैदा लिया है और इस मैदे में 2 चम्मच भर करके हम घी डाल देंगे मोयन लगाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने घी डाल दिया है और इसे हम दोनों हाथों से रब करते हुए अच्छे से मोयन लगाएंगे। मैदे में जितना अच्छे से मोयन एब्जॉर्ब हो जाएगा उतनी ही खस्ता और सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली गुजिया बनेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसे अच्छे से रब करते हुए हम पूरे मैदा में घी को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए आप दोनों हाथों में ले लीजिए इसको और हथेली पर अच्छे से रब करते जाइए। मैदे में मोयन लगाने में कम से कम 2-4-5 मिनट अच्छे से इसे रब करिए। ये देखिए अब हमारी मुट्ठी बंध रही है। जब हम मैदे को हाथ में लेंगे और उसे मुट्ठी में लेंगे तो हमारी मुट्ठी में पूरा मैदा बंध जाएगा। ये देखिए हमारा मैदा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको गूंथने के लिए गुनगुना पानी यूज करेंगे। तो आप थोड़ा ही थोड़ा पानी डालिएगा क्योंकि हमें सख्त डो बनाना है। ज्यादा पानी पहले से ही डाल देंगे तो फिर हमारी गुजिया खराब हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप पानी का ध्यान रखिए, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालिए जिससे हमारा डो अच्छा बने। फ्रेंड्स आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही टाइट डो लगाना है और इसे अच्छे से गूंथिए। जितना आप मसल मसल कर इसको गूंथेंगे ये उतना ही सॉफ्ट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे अच्छे से 4-5 मिनट अच्छे से गूंथ लिया है। ये देखिए ये तो परात में भी बिल्कुल नहीं लगा। देखिए हमारी परात एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। इसे आप 2-3 मिनट अच्छे से गूंथिए फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा डो बहुत अच्छे से लग चुका है। इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब आप मैदे को 1-2 मिनट अच्छे से रब करते हुए मसल मसल कर इसे और सॉफ्ट कर लेंगे। कम से कम 1 मिनट और इसे गूंथ लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां काट लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम 4-5 लोइयां काट लेंगे। लोइयां काटने के बाद हम इनकी छोटी छोटी सी पूरियां बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने लोइयां कट कर ली हैं। चलिए अब हम इनकी पूरियां बेल लेते हैं। ये देखिए मैंने लकड़ी का प्लेटफॉर्म ले लिया है, इसमें मैं 4-5 लोइयां रख करके चलिए हम फटाफट पूड़ियों को बेल लेते हैं। ये देखिए आप सूखा मैदा लगाइए और बेलिए। देखिए एक तरह की आपकी पूड़ियां होनी चाहिए, ना बहुत पतली ना बहुत मोटी। ये देखिए फ्रेंड्स हम सारी पूड़ियों को बेल बेल करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारी पूड़ियों को बेल लिया है। चलिए अब हम गुजिया भरते हैं। ये देखिए हमने खोया ले लिया है, अब जो मेवा हमने कट करी थी खोया में ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें गरी, किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट की गिरी वो भी हमने कट कर ली थी, 4-5 इलायची कुटी हुई और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने खोया में सारे मेवा को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी पीसी हुई चीनी डालेंगे। फ्रेंड्स हमारा जो खोया है वो घर का बना हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा घी है। जब हमें गुजिया भरनी होती है तभी हम इसमें चीनी डालेंगे। पहले से चीनी डाल करके अगर हम रख लेंगे तो हमारा खोया गीला हो जाए, गुजिया भरने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको जब गुजिया भरनी हो तब आप चीनी मिक्स करें तो आपका जो खोया है वो ड्राई ही बना रहेगा, गुजिया भरने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स हमने खोया को बिल्कुल रेडी कर लिया है। चलिए अब गुजिया बनाते हैं। ये देखिए हमने पूड़ियों को बेलकर एक प्लेट में रख दिया था। अब हम एक-एक पूड़ी को लेंगे। ये देखिए हमने एक पूड़ी को हाथ में ले लिया है और इसमें जितना भी आपको गुजिया को भरना है उतना खोया सेंटर पे रख दीजिए और 2 बूंद आप इसमें पानी लगाइए किनारों पे। पूड़ी का जो किनारा है उसमें थोड़ा सा पानी लगाइए चारों तरफ और एक सिरे को पकड़ करके दूसरे सिरे के साथ चिपका दीजिए। ये देखिए इस तरह फ्रेंड आप जब एक सिरे को दूसरे सिरे पे चिपकाएंगे तो आपकी गुजिया बहुत अच्छे से चिपक जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी गुजिया नहीं बनेगी। ये देखिए फ्रेंड गुजिया को आप एक प्लेट में रख दीजिए। ये देखिए फ्रेंड इसी तरह आप जो बाकी की पूड़ियां हैं उनको भर लें। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से हम सारी गुजिया को भर लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास गुजिया बनाने का सांचा है। मैं इसी से ने गुजिया बना ली है, बट जो इसके किनारे हैं वो हमें कट करने हैं, तो मैं किनारों को इसी सांचे से कट कर लूंगी। जो प्लास्टिक का सांचा है, इससे किनारों पे बहुत अच्छी डिजाइन आती है, तो मैं किनारों की डिजाइन बनाने के लिए इस सांचे का इस्तेमाल करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, आप सांचे में अच्छे से सूखा जो मैदा लगाइए और गुजिया को इसके अंदर डाल दीजिए। अंदर डालने के बाद आप दोनों को आपस में बंद कर दीजिए और जो गुजिया का एक्स्ट्रा मैदा है उसे आप निकाल दीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत गुजिया लग रही है, उसके किनारे कितने सुंदर आए हैं। हम चाह कर भी इसको ऐसे नहीं बना सकते हाथ से, लेकिन सांचे से बहुत आसानी से डिजाइन बन रही है। ये देखिए हमने कुछ गुजिया रेडी कर ली है। अब आपको मैं दूसरी तरह से एक गुजिया बनाकर बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमने पूरी ले ली है और उसको सांचे पे हमने फैला दिया है। इसके एक सिरे पे हम एक साइड हम खोया भर देंगे और दूसरा फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये भी गुजिया देखिए सेम ही बनी है जैसे हमने हाथ से बनाई थी, और ये देखिए डायरेक्ट सांचे से कटी हुई है। ये देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरीके से आप गुजिया को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये देखिए मैंने सारी गुजिया को रेडी कर लिया है। तो चलिए, अब एक कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। आप घी भी ले सकते हैं, आपको जिस ऑयल में तलना है आप उसमें गुजिया को तल सकते हैं। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, तो अगर मेरी रेसिपी आपको आसान लगती तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें गुजिया को डाल देते हैं। देखिए आप एक बार में ढेर सारी गुजिया न डालिए, चार चार पांच पांच ऐसे गुजिया डालिए और आराम से, जिससे उनको पकने के लिए स्पेस मिल जाएगा। जितना आपकी कढ़ाई में ऑयल हो आप उस अकॉर्डिंग गुजिया को डालिए, और गुजिया डालते ही आप कलछी ना चलाइएगा, नहीं गुजिया फूट जाएंगी। पहले एक साइड गुजिया गोल्डन हो जाएंगी, तब आप उन्हें पलटिएगा। ये देखिए, और ये देखिए इतनी फूली हुई है कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये पकने के बाद देखिए कितनी सुंदर लग रही है गुजिया। आपको इनको बहुत डार्क कलर में नहीं करना है, गुजिया पक जाए और हल्की सुनहरी हो जाए तभी आप गुजिया को निकाल लीजिएगा। ऐसे उलट पलट करिए और एक प्लेट में निकाल लीजिए। ये देखिए इनका कलर कितना सुंदर आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी गुजिया को तल लिया है, ये अब इन्हें हम सर्व करते हैं। आप इन्हें किसी भी तरह से सर्व करिए और कैसे भी खाइए, ये आपको दुगना ही टेस्ट देंगी। तो फ्रेंड्स, इसे आसान तरीके से बनाइए, खाइए और आनंद लीजिए। और आप सभी लोगों को आसान रेसिपी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।